हेलो मेरे दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे पांच ऐसी गलतियां जो मैंने करी हैं या शायद आप भी कर रहे होंगे मसल बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले मेरी जो गलती थी कि मैं अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रखता था, लाइक 150-200 ग्राम प्रोटीन रखता था, ये सोच के कि मेरी मसल बिल्ड होगी, प्रोटीन मसल बिल्ड कराता है। तो बिल्कुल प्रोटीन मसल बिल्ड कराता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट में कार्ब को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आपकी मील जैसे कोई एक पर्टिकुलर 30 ग्राम प्रोटीन ली है तो उसमें उसका डबल 60-70 ग्राम कार्ब तो होना ही होना चाहिए अगर जो आप साइज गेन करना चाह रहे हो। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी। एंड दूसरी मेरी मिस्टेक थी कि वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करना और डाइट पे ध्यान कम देना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। अगर जो आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपकी डाइट भी वैसे ही होनी चाहिए। आप जिम में जाकर के 7-8-9-10 एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं और फिर कहीं से डाइट नहीं ले रहा हूँ तो मसल बिल्ड नहीं करेगा वो, इवन मसल और श्रिंक होगा और मैच्योर होगा तो वो श्रिंक होगा। अगर जब अपनी डाइट में कार्ब सही से नहीं होगी तो अगर जो 30 ग्राम की डाइट है प्रोटीन उसमें 30 ग्राम है तो 60 ग्राम कार्ब होना बहुत जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती मैं करता था, स्लीप को इम्पोर्टेंस ना देना। जी हाँ, रात में फ़ोन यूज़ करता था, वर्कआउट करके आ रहा हूँ, सही से स्लीप नहीं ले रहा हूँ, रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, जिससे मसल मेरी और भी ज़्यादा बिल्ड नहीं हो रही थी। चौथी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, एक सही वर्कआउट प्लान को फॉलो ना करना। आप जिम में जाके कुछ भी मत मारो, चेस्ट है तो उसको सही से ट्रेन करो। 2-3 कंपाउंड एक्सरसाइजेस, 3-4 आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बहुत है। सही स्पीड के साथ वर्कआउट करोगे, प्लान के साथ वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल डेफिनेटली बिल्ड होगी ही होगी। और चौथी ये मिस्टेक थोड़ी सी मानो या मिस्टेक मानो या कम नॉलेज मानो कि अपनी डेली लाइफ स्टाइल को ट्रैक ना करना और कंसिस्टेंट ना रहना। अगर जब अपनी लाइफ स्टाइल को ट्रैक करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप चाहे जितनी डाइट ले लो, चाहे जितना स्पीड ले लो, चाहे जितना वर्कआउट कर लो, आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी। पांचवी बट नॉट लीस्ट, एक सही ट्रेनर को हायर ना करना। अगर जो आपने सही ट्रेनर को हायर नहीं किया तो उससे बात करो, कंसल्ट करो, किसी से अपनी चीज़ें कंसल्ट करते रहोगे वो आपको एक सही बात दिखाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो लेकिन आप गलत ट्रैक पर हो, सामने वाला आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो आपको सही से बता देगा। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपसे कोई साइज़ में कम है, साइज़ में ज़्यादा है या सीनियर है जूनियर है, आप उसे कंसल्ट करो कि भाई मैं ये डाइट ले रहा हूँ, मैं ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ, मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या ये सही है। हो सकता है आपको सही लग रहा हो बट आपकी बॉडी के हिसाब से वो सही ना हो, तो किसी से कंसल्ट जरूर करना। ये मेरी टॉप 5 मिस्टेक थी जो मैंने अपने आप एक्सपीरियंस के लिए सीखा, सही किया और उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, मसल गेन हुआ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आप ये 5 गलतियाँ कर रहे हो तो इस 5 को सुधारो और वर्कआउट करो, कंसिस्टेंट रहो। बाकी तो मैं यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसके वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय श्री राम, राधे राधे।